भारतीय क्रिकेट टीम नए साल की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के साथ करने जा रही है। श्रीलंका टीम भारत दौरे पर आ रही है और दोनों टीमों के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज के साथ साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज का आयोजन भी होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने मंगलवार को श्रीलंका के इस दौरे पर होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। ये जो 2023 का साल है ना, ये इंडिया टीम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो जितनी भी सीरीज होने वाली है वो समझ लीजिए आपकी 2023 के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी है, और जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा वही 2023 का वर्ल्ड कप खेलेगा। आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बता दूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्क्वाड में जो है ऋषभ पंत बाहर है और संजू सैमसन अंदर है, तो जो परफॉर्म करेगा वही आगे जाएगा। भले हाँ थोड़ा अप डाउन हो सकता है, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन एंड में जो परफॉर्म करेगा वही आगे जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आपको हम इस पूरा टीम इंडिया T20 का स्क्वाड बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इंडिया टीम के फैन हैं तो दिल से कर दें वीडियो को एक लाइक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीम इंडिया T20 स्क्वाड: हार्दिक पांड्या कैप्टन, सूर्यकुमार यादव वाइस कैप्टन, ईशान किशन विकेट कीपर, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी, मुकेश कुमार। दोस्तों ये हो गया टीम इंडिया का स्क्वाड जो खुद BCCI ने जारी किया है। अब T20 का स्क्वाड बदलने नहीं वाला है, यही फाइनल स्क्वाड रहेगा। तो आप लोग ये बताइएगा अपने हिसाब से कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। आप लोग कमेंट में अपनी प्लेइंग 11 बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।